नमस्कार दोस्तों, आईटीबीपी में आई हुई है वैकेंसी। ऑल इंडिया से आप कर सकते हो आवेदन, मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं आवेदन। 14 अगस्त 2022 लास्ट डेट है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको ये पेज मिलेगा आईटीबीपी का। इस पेज पे आपने आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले नंबर पे आपको अप्लाई का लिंक मिलता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं सीधा आप आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां पर आके आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो अपना अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। अदरवाइज आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट अगर आपने पहले अकाउंट बनाया है। दूसरी चीज, जो नोटिफिकेशन मेरे पास है इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये है वो लिंक डाउनलोड का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस पेज का नहीं पता चला जो मैंने आपको अभी बताया तो सिंपल सा गूगल में जाना, समझ आया क्या सर्च करना। उसके बाद यहाँ पर ये पहले नंबर पे इस तरह से आ जाती है। अदरवाइज आप अगर गूगल से आना चाहते हो तो समझ आया क्या सर्च करना, पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी यहाँ पे क्लिक करना, तब भी आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर लेना। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए क्या डिटेल है क्या नहीं है। दोस्तों जो पोस्टें हैं वो है 37, मेल के लिए 32 है, फीमेल के लिए 5 है। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज लिमिट मैं आपको बता दूं 20 साल से लेकर 25 साल है। एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 5 साल की छूट है, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल की छूट है। ठीक है, तो 30 साल आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकोगे। दोस्तों इसके लिए जो सैलरी रखी गई है वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में सेवंथ पे कमीशन आप लोगों का लगेगा, इसके बीच की सैलरी आपकी सेट होगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपने सिंपल अगर 10वीं पास की है उसके साथ कोई भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर आपने 10वीं के बराबर कुछ किया है और उसके साथ सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से होना है। देखो भैया, फिजिकल स्टैंडर्ड में 170 सेंटीमीटर हाइट है, फीमेल के लिए 157, चेस्ट फैलाने के बाद 85, बिना फैलाए 80। ठीक है, तो ये है सिर्फ ऑल अदर यूनियन टेरिटरी। बाकी अगर आप किसी स्टेट वगैरह से स्पेशल बिलोंग करते हो, यूनियन टेरिटरी वगैरह, गोरखा डेगरस कोई भी कैटेगरी है, तो उनकी 165, 162.5, 155, 150 चेस्ट और ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आखिर आप लोगों की सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले 100 मीटर की रनिंग बॉयज के लिए है, 16 सेकंड आपको दिए जाएंगे। 1.6 किलोमीटर की रनिंग भी है जिसमें 7 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 100 मीटर है जिसमें 18 सेकंड दिए जाएंगे और 800 मीटर है जिसमें 4 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भैया आपका हाइट चेस्ट को नापा जाएगा और उसके बाद 200 मार्क्स का आपका रिटर्न इसमें होगा, ये बात ध्यान रखिए, जिसमें आप लोगों के एक 160 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे 140, तो टोटल मार्क्स 160-40। एमसीक्यूज है, टिक लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और लास्ट में आके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल जो है वो होगा। ठीक है, और ये है आपकी पूरी कहानी। इसके अलावा कोई फीस नहीं पे करनी, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर लो, तो एज जिसकी कम रह जाएगी उसी को पहले चुना जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।